नमस्कार बच्चों, मैं अरपन सिंह। मैं आपको फ्रेंच रिवॉल्वेशन पढ़ा रहा था। फ्रेंच रिवॉल्वेशन में हम पहुंच चुके थे कि एक राजा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आ चुके थे। अंडर कॉन्स्टिट्यूशन अब वर्क करेंगे। लोग कुछ उम्मीद कर रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या क्या प्रोवाइड होता है। कम से कम मोनार्की तो थी, राजा राजा ही थे, मतलब राजा उस समय राजा थे, उनके लिए यही खुशी की बात थी। और लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे राजा अपने कर्तव्य निभाते हैं, या मतलब कुछ ऐसे काम कर देते हैं कि अब वो राजा भी रहने लायक नहीं होते। हमें इस कहानी में यही पढ़ना है कि राजा ऐसी क्या मूर्खता करते हैं, या अपने देश के पीछे क्या कुछ करना चाह रहे थे कि लोग उनको फिर से गद्दी से हटा देते हैं। 1792 में वो नेशनल असेंबली ने कुछ ऐसा उन पर आक्रमण करती है, कुछ इसी बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है, लिखा है फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। अब बिल्कुल मोनार्की हट जाएगी, मतलब अब राजा राजा नहीं रहेंगे और फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाएगा। यही तो चैप्टर में हम पढ़ना चाहते थे। तो सिचुएशन क्या थी फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन में, कि बहुत तनावपूर्ण था, क्योंकि हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको ये चाहिए। फ्यूडल सिस्टम हट रहा था भाई, किसी के अधिकार छीन रहे हो तो वो तो आसानी से दे नहीं देगा। तो माहौल बिगड़ता जा रहा था, मतलब इतना माहौल बिगड़ा हुआ था कि राजा उसमें चालाकियां सूझ रही हैं राजा को। अब राजा ये सोच रहे हैं कि हम किसी तरीके से अपनी गद्दी बचाएं और ये रिपब्लिक हट जाए और फिर से मेरी पावर आ जाए, मतलब जो उनका एब्सोल्यूट पावर था वो फिर से उन्हें चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि राजा बिना प्रजा के नहीं होता। आप जो है फिर कोशिश कर रहे हो कि हम अपने देश के खिलाफ चले जाएं, किसी और देश की सहायता लें। और ये आप जानते हो कि भारत में क्या हुआ, जयचंद ने मोहम्मद गोरी से सहायता ली और बाद में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया तो हराया, बाद में चंदावर के युद्ध में चंदेल को भी हरा दिया, जयचंद को भी। अब जयचंद तो गए, पर देश को एक अलग पावर दे के चले गए। कुछ फ्रांस भी वही कोशिश कर रहा था कि फ्रांस में राजा जो है कंटिन्यू ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। ऑल्दो लुई 16 हैड साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ पर्सिया। जो किंग ऑफ पर्सिया थे उनसे उन्होंने सीक्रेट नेगोशिएशन किया। उन्होंने ये सीक्रेट नेगोशिएशन किया कि किसी तरीके से हमें आप पावर दो, और रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्री टू वेयर वरीड बाई द डेवलपमेंट इन फ्रांस एंड मेड प्लान्स टू सेंड ट्रूप्स। और जितने भी फ्रांस के नेबरिंग कंट्री थे वहाँ भी मोनार्की थी। अब वो मोनार्की तो थी, अब वो भी सोच रहे थे कि हमारा पद चला जाएगा, जैसे ये समझ लो कि इंद्र का सिंहासन हिलने लगा हो कि अब प्रजा जग चुकी है। तो वही हुआ कि वो लोग भी सोच रहे हैं भाई फ्रांस का राजा तो राजा नहीं रहा, अब हम लोग भी धीरे धीरे हट जाएंगे। तो उन्होंने सोचा नहीं नहीं फ्रांस के राजा को फिर पावर में लाओ और जनता को डिमोरलाइज कर दो कि भाई क्या हुआ इतना मेहनत करके। कभी कभी क्या होता है ना, हम मनोवैज्ञानिक किसी को तोड़ते बहुत हैं, तो वही, लेकिन हम मनोवैज्ञानिक मजबूत होना पड़ता है। तो प्रजा के साथ यही करना चाह रहे थे कि फिर से राजा को बैठा दो। प्रजा को लगे हमारे सारे कामों पे पानी फिर गया, लेकिन नेशनल असेंबली को ये बात की भनक चल चुकी थी। तो उन्होंने वही, वो फ्रांस के जो सेंट ट्रूप थे उन्होंने ये माना कि 1789 में वो अपना ट्रूप भेजेंगे और राजा को फिर से पावर में ला देंगे। और वो एक कोशिश कर रहे थे बार बार कि 1792 में ये घटना होती, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने पर्सिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वार ही छेड़ दिया, क्योंकि नेशनल असेंबली को ये बात पता कहीं से चल चुकी थी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, फ्रांस में रिपब्लिक या कॉन्स्टिट्यूशन को हटाए जाने की कोशिश हो रही है। अब राजा अच्छा करता है कि बुरा, आप ही सोच लो कि आप देश के खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि देश की प्रजा जो चीज चाह रही है आप वही नहीं देना चाह रहे हो। तो अब क्या होता है कि हाँ, क्योंकि इस वार को उन्होंने इस तरीके से लिया कि हमें ये अमीर लोग ऐसा कर रहे हैं राजा के खिलाफ, राजा की तरफ तो अमीर लोग ही थे ना, क्योंकि स्टेट वन स्टेट टू की ही शक्तियाँ छीनी जा रही थी। तो अब क्या हुआ कि थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर थ्रोन फ्रॉम द प्रोविंसेस, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर इस लड़ाई में जुड़ चुके, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर इस लड़ाई से जुड़े प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी और दे सा देश। उन्होंने इसे वार की तरह देखा, किसके वार की तरह देखा, पीपुल अगेंस्ट किंग एंड एरिस्टोक्रेसीज, जो अमीर लोग थे कुलीन वर्ग थे उनके खिलाफ ये लड़ाई मानी, क्योंकि स्टेट वन और स्टेट टू ही राजा के साथ थे और वही ये सोचे कि देखो जब हम अपने हक की मांग किए तो राजा किस तरीके से दूसरे देश से जाके बात करने लगे। अब जब राजा दूसरे देश से जाके बात करे तो जनता को बिल्कुल नागवार गुजरी ये बात कि क्या हो रहा है, राजा बिना बताए आप दूसरे देश से बात कर रहे हो, इसका मतलब हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो, इसका मतलब देश के खिलाफ साजिश कर रहे हो। आप जब भी प्रजा के खिलाफ कोई बात करेंगे और दूसरे देश से, तो ये देशद्रोही है, देश के खिलाफ आप बात कर रहे हैं। जितने वॉलंटियर जुड़े वो एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गा रहे थे, देशभक्ति गीत, जिसे किसने लिखा था, रोजर डे लाइल ने, रोजर डी लाइल ने लिखा था, और द मर्सेल्स उस गीत का नाम था, द मर्सेल्स।
और गीत मर्सेल्स था ना, ये जगह थी मर्सेल्स, और इस मर्सेल्स जगह से लोग पहली बार गाते हुए वॉलंटियर्स निकले थे, इसलिए इस गीत का नाम मर्सेल्स पड़ गया। लिखा है ना मार्च इनटू बताया था ना, पैदल पेरिस से निकले और सो गॉट इट्स नेम, क्योंकि मर्सेल्स से ये पैदल निकले गाते हुए, और ये मर्सेल्स बाद में नेशनल एंथम बन गया। कहाँ का? फ्रांस का राष्ट्रीय गीत बन गया, क्या? मर्सेल्स। जो रिवॉल्यूशनरी थे वो तो घर से बाहर निकल चुके थे, जैसे द रिवॉल्यूशनरी वार ब्रॉट लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी। अब रिवॉल्यूशनरी अगर घर से बाहर निकल गए तो घर कैसे चलेगा? तो क्या होता था कि जब वहाँ लड़ाई में, पहले तो जब वार हो गया, क्योंकि आप राजा के खिलाफ वार करने गए हैं, तो निश्चित तौर पर धन की हानि होगी, मतलब पैसा आपका लॉस होगा। तो ब्रॉट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टी, लोगों के घर में खाने की दिक्कतें आ गई थी। अब जब लोग बाहर कमाने चले गए तो कमा के कौन लाएगा? फिर ये बेड़ा औरतों ने उठाया। वुमेन वेयर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। वुमेन कितना बड़ा योगदान करती हैं इस देश के लिए, फ्रांस के लिए, कि आप सोचो कि उन्होंने कहा कि आप जाओ। इसका मतलब एक औरत घर की साहस होती है, मतलब वो चाहे तो आपको किसी की जगह, किसी भी जगह लड़ने को भेज सकती है, क्योंकि वो आपको पावर दे रही थी। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा या अपने फैमिली मेंबर से कहा कि आप आगे जाओ, लड़ो, हम घर को संभाल लेंगे। कारण क्या था? उनको ये लगता था, रिवॉल्यूशनरी थे, जब वो घर से बाहर निकल गए तो उनको खाने की दिक्कत हो रही थी, इकोनॉमिक डिफिकल्टी, सबसे बड़ी समस्या है, पैसा ही सबसे बड़ी जरूरत हो जाती है जब खाने को ना हो। लेकिन औरतें कैसे संभालती हैं फैमिली को, ये बताया जा रहा है कि जब उनको खाने की दिक्कत हुई, क्योंकि लोग तो बाहर लड़ने चले गए थे ना, जब लोग बाहर चले जाएंगे, कमा के कोई लाएगा नहीं, तो फैमिली चलाने में या लुक आफ्टर करने में दिक्कत आएगी। तो अब औरतों ने कहा कि आप जाओ, हम लिवलीहुड को देखेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता था सारी शक्तियाँ, सारे पावर, सारे जो हमें राइट दिए गए हैं, वो सिर्फ अमीरों को दिए गए हैं। आपको भी पता था कि वोट देने वाले को दो भागों में बांट दिया गया था, एक एक्टिव वोटर थे, एक पैसिव थे। एक्टिव सिटीजन क्या थे? जो वोट दे सकते थे, वोट वही दे सकते थे जो 30 दिन में 3 दिन की कमाई का टैक्स देते हो, और जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर हो, गरीब लोग दे नहीं सकते थे वोट, ठीक। औरतें तो बाहर ही थी वोट देने के राइट से। वाइल द मैन वेयर अवे फाइटिंग, जैसे ही आदमी घर से बाहर गए, दूर गए, अवे मतलब दूर, एट द फ्रंट ऑफ वुमेन वेयर लेफ्ट टू कोप विद द टास्क ऑफ अर्निंग। औरतों ने कहा ये मेरे लिए टास्क है कमाना, मतलब वो अर्निंग करने के लिए काम पे चली गई, और कोप विद का मतलब होता है सहना। सारी घर की दिक्कतें औरतें सह रही थी, इसीलिए औरतें हमें दुर्गा का रूप मानी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसी तरीके से कहा कि नहीं, अब हमें इस देश के लिए हमें झेलना पड़ेगा। और औरतों ने, सोचो, आदमियों को कितनी ताकत दी, इतनी साहस दी कि आप जाओ, अब जो होगा हम देखेंगे, घर में हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, आप जाओ, परिवार की टेंशन हमारी है। आदमी कितना बेफिक्र होकर जाएगा लड़ने। फिर अर्निंग एट लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर, लुक आफ्टर देखभाल करेंगे वो फैमिली के। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन वी आर कन्विंस्ड दैट द रिवॉल्यूशन हैड टू कैरी फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन 1791 गेव पॉलिटिकल राइट टू द रिचर सेक्शन, क्योंकि वही लिखा हुआ है कि रिचर सेक्शन को ही पावर मिला था कि आप वोट कौन दे सकता है, वही एक्टिव सिटीजन। और एक्टिव सिटीजन कौन थे? जो वोट दे सकते थे और जो अमीर थे। पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इंपॉर्टेंट, अब लोगों ने क्या किया, एक क्लब बनाया, क्योंकि अब लोगों तक बात कैसे पहुंचाई जाए। तो बड़े बड़े लोग एक क्लब होता है, चर्चा का जगह होता है, बड़े बड़े, जैसे आप चाय की दुकानों पे नहीं देखते लोग बैठ के अपना बात करते हैं, सरकार के खिलाफ नहीं, ये है वो है मोदी, वहां तो ज्यादा ही बात होती है। लेकिन लोगों ने एक क्लब ही बना लिया कि ये क्लब में गवर्नमेंट के अबाउट डिस्कशन होगा और हम फिर उस पर चर्चा करेंगे। तो पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट, एक राजनीतिक अड्डा बन चुका था। पीपल हु वेस्टेड टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसीज, जहां लोग राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक नीतियों को पढ़ रहे थे, गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार क्या नीतियां लगा रही हैं, एंड प्लान देयर ओन फोरम ऑफ एक्शन, और वो ये प्लान करते थे कि कैसे गवर्नमेंट को करना चाहिए और हमें क्या एक्शन लेना चाहिए। और उसमें जो फेमस था जैकोबियन क्लब था। तो जो जैकोबियन क्लब था ना, वो किसके नाम पे था? कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब, कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस, मतलब उनके नाम पे, फार्मर कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब के नाम पे था। और वुमेन टू हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट दिस पीरियड, लेकिन औरतें भी पूरे पीरियड में एक्टिव थी, मतलब इस पूरे पीरियड में औरतों ने ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया, वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ली, और थ्रू आउट दिस पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब, और औरतें ने भी अपना क्लब बनाया। अब देखो औरतों को अधिकार मिलता है या नहीं, हम आगे उसको पढ़ेंगे, लेकिन द मेंबर्स ऑफ द जैकोबियन क्लब बिलोंग मेनली टू द लेस प्रॉस्पेरस सेक्शन, मतलब जो जैकोबियन क्लब के मेंबर थे वो बहुत ही
मतलब लेस प्रॉस्परस थे, मतलब कम संपन्न थे। और वो कौन थे? जैसे जो दिहाड़ी पे काम करते थे, जो जूते बनाते थे, जो पेस्ट्री वगैरह बनाते थे, जो बेकरी वगैरह का काम करते थे, फेरी लगाने वाले, या मतलब छोटी वगैरह मोटी दुकान रखते थे, मतलब बहुत ही हल्के लोग थे, मतलब जो कि बहुत रिचेस्ट नहीं है, जिनको सम्मान नहीं मिलता था। द लीडर वाज मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स पियरे। तो इसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स पियरे एक लीडर थे और वो इस जैकोबिन क्लब के लीडर थे। अच्छा, इनका भी अपना इतिहास है, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्स पियरे बाद में सत्ता में आते हैं और वो क्या करते हैं ये हम जानेंगे। ए लार्ज ग्रुप एमंग द जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर, मतलब एक धारीदार लंबी पतलून कपड़ा होता है ना, धारीदार लंबी, उसे पहनते थे, मतलब जो पैजामा पहनते थे वो धारीदार होता था। जैकोबियन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर सिमिलर टू दोज ओर्न बाई डाक वर्कर्स, जैसे डाक वर्कर्स पहनते थे, जो डाकिया वगैरह पहनते थे, सेम वैसे ही वो कपड़ा पहनते थे। फिर क्या होता है, फैशनेबल लोग कैसे कपड़ा पहनते थे? जो अमीर लोग थे उनके खिलाफ फैशनेबल लोग ये पहनने लगे कि क्या नी ब्रीचेस पहनने लगे, मतलब जो घुटने तक कपड़ा होता था उसे ही पहनते थे वो लोग, और ये बताना चाहते थे कि हम कुलीन वर्ग के खिलाफ हैं। इट वॉज वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ द पावर वाइल्डेड बाय द वियरर ऑफ द नी ब्रीचेस, और ये वो अपनी शक्ति दिखाना चाहते थे कुलीनों के खिलाफ, मतलब जो अमीर लोग थे उनके खिलाफ, कि किसी तरीके से वो शक्तियाँ दिखाएं। दिस जैकोबिन केम्स टू बी नोन एज सेंस क्लॉट्स, ये सौ कुलात बोलते हैं हिंदी में वर्ड, ठीक है ना। तो इस वर्ड को उन्होंने लिटरली मीनिंग इसका दिया कि दीज विदाउट नी ब्रीचेज, जो बिना घुटने तक के, मतलब घुटने के नीचे का कपड़ा जो नहीं पहनते हैं। सेंस क्लॉट मैन वोर इन एडिशन टू द रेड कैप, और जो मैन थे, अच्छा ये बताना चाहते थे ना इसको पहन के, देखो हम अमीरों के खिलाफ है, नहीं हुआ तो क्या हुआ, हम आधे कपड़े पहनते हैं, मतलब घुटने तक के कपड़े पहन को ऐसा करना चाहते थे कि हम उतने अमीर नहीं है कि पूरा कपड़ा पहने, फुल कपड़ा फैशनेबल था, लोग फैशन में भी अब पहनने लगे थे। और सेंस क्लॉट मैन वेयर, और वो क्या करते थे, मैन रेड कैप पहनते थे। रेड कैप का मतलब होता है लिबर्टी, ऐसा इसलिए दिखाते थे कि अब हम किसी के अंदर या दबाव में नहीं है, वो लिबर्टी बताना चाहते थे। वुमेन हाउएवर नॉट अलाउड टू डू से, जो ये रेड कपड़ा था, मतलब रेड कैप, आज भी रेड कैप जब वहाँ मतलब पहनते हैं ना लोग, तो ये बताया जाता है कि आज़ादी का प्रतीक है, मतलब वहाँ ये बताते थे कि मैं किसी के अंडर नहीं हूँ, वो कुलीन वर्ग के, हम अपना राइट खुद ले लेंगे, चाहे आप साथ दो या ना दो। और वुमेन ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो ऐसे रेड कपड़े पहन, मतलब वुमेन को राइट नहीं था ना ऐसे, तो आदमी भी अभी वैसे ही सोचते थे, इसलिए वुमेन जो है रेड कैप नहीं पहन सकती थी इस क्लब में, जैकोबिन क्लब में। 1792 में जैकोबिनो समर में, मतलब गर्मी के 1792 में जो जैकोबियंस ने, जैकोबिनो जो थे, जैकोबियन के लोग थे, उन्होंने प्लान किया एन इंसर्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पर्सियंस हु वेयर एंगर्ड टू द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब क्या हुआ कि प्राइसेस हाई हो गए और शॉर्ट, मतलब समर में क्या हुआ ना, फसल खराब हो गई उनकी। तो जैकोबियन प्लान टू, अब वो सोचे कि हमला करेंगे, लार्ज नंबर ऑफ पर्सियन वो गुस्से में आ गए, शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड। अब एक बताओ आप, खाने को नहीं होगा तो लोग निश्चित तौर पे परेशान हो जाएंगे, अब खाने को ही नहीं था और लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो महंगाई, ऊपर से क्या उनको पास कुछ करने को है नहीं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10th दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलर्स, वो ट्यूलेरिया के पैलेस में, ट्यूलर्स के पैलेस में घुस गए वो लोग। मतलब उन्होंने ये योजना बनाई कि अब हम लोग हमला करेंगे राजा पर, राजा को ही कब्जे में लेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका, राजा लगातार बदमाशी कर रहे थे, क्योंकि वो पहले तो चले गए ऑस्ट्रिया और प्रशा से नेगोशिएशन किए, बातचीत कि नहीं हमको सत्ता में लाओ, फिर वो फिर मतलब अपने मनमानी पे दोबारा आ गए कि क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मैं नहीं मानता, जो मेरा मानना है वही करूँगा आप, तो लो जनता तो गुस्से में हो ही जाएगी, क्योंकि आप लगातार किसी चीज को इग्नोर कर रहे हो, डिनायल मोड में हो आप कि नहीं हम नहीं कर सकते ये चीजें। तो जनता ने अब एकदम नरसंहार पे ही आ गई कि अब तो मार देना है, जो राजा को बचाएगा उसे भी मार देंगे और राजा को तो पकड़ना ही पकड़ना है, और इन्हें अब सबक सिखाना है, अब मतलब उन्हें सजा देने की बारी आ गई थी, नेशनल असेंबली ने ये बात बोल दी थी। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ 10 अगस्त, अगस्त 10 को दे स्टॉर्म, 10 अगस्त को उन्होंने स्टॉर्म किया, 10 अगस्त को उन्होंने ये तूफान सा, मतलब उन्होंने ये विद्रोह कर दिया और पैलेस ऑफ ट्यूलर्स, ट्यूलेरिया के पैलेस में घुस गए, और द किंग गार्ड, और जो गार्ड वगैरह थे किंग के, उनको पकड़ लिया और उन्हें मार दिया, मतलब मैस्कर्ड द किंग्स गार्ड, उन्होंने किंग के गार्ड को, किंग के रक्षक को ही, राजा के रक्षक को ही मार दिया, और क्या हुआ कि किंग हिमसेल्फ द होस्टेज फॉर द सेवरल आवर्स, और किंग को कब्जे में कर लिया गया, ठीक है। लेटर द असेंबली ओटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली, और असेंबली जो है ओटेड की
इम्प्रिजन मतलब कि उन्हें इम्प्रिजन कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया रॉयल फैमिली को और असेंबली में, और वोट पड़ेगा, अब वोट पड़ेगा, इसके बाद लोग वोट देंगे। अब वोट में क्या एक्टिव पैसिव सिटीजन रह गए? नहीं, अब आप 21 इयर्स के हो गए, चाहे आप गरीब हो चाहे आप अमीर हो, अब वोट दे सकते हो। सही मायनों में अब एक जीत हो गई थी फ्रांस में कि आप अब पैसे से कैटेगराइज नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। वुमेन को वोट देने के अधिकार के बारे में बड़ी लंबी लड़ाई है जो कि हम उसके बारे में पढ़ेंगे। फ्रॉम नाउ ऑल मैन ऑफ 21 ईयर्स एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ राइट टू वोट, जितने 21 साल के ऊपर लोग हैं वो वोट दे सकते थे। अब मतलब मोनार्की, क्योंकि राजा तो गिरफ्तार हो गए, मोनार्की खत्म हो चुकी, अब रिपब्लिक की तरफ कैसे आ रहे हैं, राजा के साथ क्या हो रहा है, देखिए अंत में क्या होता है कि जब फ्रांस के राजा गिरफ्तार हो जाते हैं तो द न्यूली इलेक्टेड असेंबली कॉल्ड कन्वेंशन, जो नई इलेक्टेड असेंबली होती है उसे हम कन्वेंशन बोलते हैं। 10 सितंबर 1792, मतलब 10 सितंबर 1792 में इट एबॉलिश्ड द मोनार्की, मोनार्की को एबॉलिश्ड कर दिया गया, मतलब अब कोई राजा नहीं होगा। मोनार्की एबॉलिश्ड होने का मतलब अब कोई राजा नहीं होगा, और जो कोई हेड होगा इस कंट्री का, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो भी हेड बनाया जाएगा, वो इलेक्टेड बाई पीपल होगा, मतलब उसे लोग चुनेंगे। मोनार्की एंड डिक्लेयर फ्रांस रिपब्लिक, और फ्रांस को रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। रिपब्लिक का डिफिनीशन लिखा हुआ है, रिपब्लिक इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक रिपब्लिक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म है वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट, पीपल इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट को, इंक्लूडिंग द हेड ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के हेड को भी वो इलेक्ट करते हैं। On 21 जनवरी 1793 ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, 21 जनवरी 1793 को ही वॉज एग्जीक्यूटेड पब्लिकली, मतलब पब्लिकली एग्जीक्यूटेड मतलब उन्हें पब्लिकली बाहर निकाल दिया जाता है, एट पैलेस डे ला कॉन्रेड कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड में उन्हें, मतलब एक प्लेस डे ला कॉन्कॉर्ड था वहाँ पर लेके जाते हैं उन्हें। कब, ये डेट याद रखना, 21 जनवरी 1793 को एग्जीक्यूटेड पब्लिकली उन्हें ले जाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है, मतलब देशद्रोह की सजा में। द क्वीन मैरी एंटोनिएट, अंत में क्वीन, भाई लोग जानना चाहते हैं कि मैरी क्वीन एंटोनिएट के साथ क्या हुआ, उनको भी वहीं से सजा दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है, मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर, मतलब उनका सेंटेंस टू डेथ था क्योंकि उन्हें मौत की सजा दी जाती है। तो मतलब अब राजा देख लो, कुल मिला के सारे कहानी में ये था कि एक फार्म ऑफ गवर्नमेंट था जो थी मोनार्की, मोनार्की में थी किंग, किंग थी प्रजा, प्रजा जो है किंग से कुछ डिमांड कर रही थी, पर वो इतने ज़्यादा वार में अपने आप को इतना बिजी कर चुके थे कि जनता की बात सुन नहीं सकते थे, बर्डन इकोनॉमिकल इतना ले चुके थे कि उन्हें टैक्सेस बढ़ाने पड़ रहे थे, देश में बहुत सारी परेशानी कठिनाई जब आनी शुरू हुई तो किंग ये बात समझ नहीं पाए कि प्रजा उनसे क्या चाहती है। जब आप बार बार प्रजा को डिनायल मोड में जाओगे तो मूवमेंट आएगा, मूवमेंट के बाद स्टार्म हो जाएगा, स्टार्म हुआ, स्टार्म में क्या हुआ कि लोग गए, अब लास्ट में राजा ने जो दूसरे देश के साथ नेगोशिएशन करने की बात की वो और नागवार गुजरी, इसलिए उन्हें ट्रीजन के, मतलब जो आरोप था देशद्रोह का आरोप था, ठीक है, देशद्रोह के आरोप में उन्हें सजा दी गई, ठीक। और अब इतना समझिए कि एक राजा और प्रजा के बीच में जब गैप होगा तो राजा डेथ सेंटेंस हो गया, तो इसका मतलब हमारे देश के मुखिया को कम से कम अपनी जनता के बारे में सोचना चाहिए, और हमारे देश की जनता को भी ये समझना चाहिए कि हमारे देश का मुखिया कितनी परेशानियों से गुजरा है, कितने विदेश मंत्रालय विदेशों से बात करता है, वहाँ से पैसे कैसे जुटाता है, सड़कें बनते हैं, स्कूल बनते हैं, मतलब हमारी सरकार सोचिए हमारे लिए स्कूल बनाई है, सड़क बनाई है जो कि उसका काम है, फिर भी उनके ऊपर बहुत वर्डन है, विदेशों की बात देखनी है, अगर हम जरा सा भी लापरवाह हो जाए तो हमारे ऊपर पाकिस्तान चाइना और ऐसे देश जो कि हमसे हमारी तरक्की से कौन हुआ है, हम भारतीय हैं, हमने देश को एक नया जो है मोरल दिया है, मतलब अपने नैतिक सिद्धांतों पर रहते हुए हमने देश को आगे बढ़ाया है, अपने कल्चर को अपने संस्कृति को अपने सभ्यता को लेते हुए, बहुत सारे धर्म आए यहीं पे रह गए और वो भारत को अडॉप्ट कर लिया, भारत में भारत को अपनी माँ समान समझ गए। तो हमें ये समझना है कि हमारे देश की सरकार हमको क्या देना चाहती है, हमारा अधिकार है उनसे, हम अधिकार के लिए लड़ें, हमारा भी अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य हो जाता है, हाँ, लेकिन राजा क्योंकि मुखिया है वो हम उससे मांग जरूर करें, उन्हें भी हमारी बात सुननी चाहिए। और फ्रांस में ये जो गैप था, ये गैप अंत में कहां तक पहुंचा दिया, राजा के मृत्यु तक। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन लिखते हैं कि भाई वोटिंग पड़ती है कि भाई आप नहीं पसंद है हम आपको हटा दें, इतना
बवाल करने की जरूरत ही क्या है कि हम मौत की सजा दी जाए अंत में, और देशद्रोह की सजा तो मौत ही होती है। अंत में राजा खत्म हो गए। अब हम कल पढ़ेंगे कि ये सत्ता किसके पास आती है। रॉबर्ट स्पियरे के पास आती है, जिसे रेन ऑफ टेरर बोला गया, रेन ऑफ टेरर बोला गया, ठीक है ना, कि उन्हें आतंक का काल बोला गया, क्योंकि सत्ता तो मिलती है जिसको, क्या वो अपने कर्तव्य को निभा पाता है। क्योंकि जब हम विपक्ष में होते हैं तो हम बहुत सारी बातें कर लेते हैं, पर एक जिम्मेदारी, क्या हम उसे सही से निभा पाते हैं। जो एक जिम्मेदारी है, जैसे मेरी एक शिक्षक की जिम्मेदारी है आपको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही एक राजा की भी अपनी जिम्मेदारी होती है अपने देश को आगे ले जाना। तो अब जिसके हाथ में सत्ता आई है वो थे रॉबर्ट स्पियरे। रॉबर्ट स्पियरे क्या कुछ करते हैं, उसे रेन ऑफ टेरर बोल क्यों दिया जाता है, रेन ऑफ टेरर आतंक का काल, क्या वो जैकोबिन क्लब से ही थे, क्या वो कुछ ऐसा करते हैं, तो हम इसको आगे पढ़ेंगे कल। आज के लिए बहुत है, धन्यवाद आप लोगों ने हमें सुना। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब।